हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनीताल हिमालय प्रॉपर्टी। नैनीताल हिमालय प्रॉपर्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सबके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर आए हैं, जो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। काफ़ी शानदार लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तथा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए एक और काफ़ी मज़ेदार शानदार प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर आया हूँ, जो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है। बहुत ही मज़ेदार लोकेशन में रहने वाली है और काफ़ी शानदार लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और वीडियो को पूरी देखिएगा अंत तक और आपको प्रॉपर्टी की संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी जैसे कि लेकर आया हूं, जिसमें कि ये पुराना घर भी मिल जाता है। और टोटल लैंड एरिया की बात करें, टोटल 18 नाली नाप रहने वाली है, 18 बेनाप फ्री में मिलने वाली है। टोटल यानी कि 36 नाली टोटल लैंड एरिया है, जिसमें से रजिस्ट्री वाली 18 नाली मिल जाती है और 18 नाली कब्जे में मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शांत वातावरण में, बहुत ही सुंदर लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसा ये देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, पूरी फ्रूट बेल्ट है, फ्रूट का बगीचा लगा हुआ है और ये प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है ये प्रॉपर्टी, ऐसे करके आगे तक जा रही है, आगे से फिर नीचे को जाती है और ये पहाड़ी घर बीच में है। ये देखिए, ये पहाड़ी घर बहुत ही पुराना घर है, पुश्तों से पुराना घर है, काफ़ी अच्छा लुक में है अभी भी। और पानी का टैंक ये बना हुआ है और लाइट के तार ये लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लाइट का पोल लगा हुआ है। और 18 नाली टोटल लैंड एरिया मिल जाती है नाप, जैसा कि आपको बताया, और 18 बेनाप मिल जाती है और साथ में पूरा फ्रूट का बगीचा गार्डन लगा हुआ मिल जाता है। बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए हैं, और जैसे कि एप्पल, खुमानी, आड़ू, पुलम आदि के पेड़ यहाँ पर मिल जाते हैं। काफ़ी सारे फ्रूट के पेड़ यहाँ पर मिल जाते हैं। और हिल टॉप लोकेशन यह प्रॉपर्टी है, हिल टॉप लोकेशन, हिल टॉप लैंड कह सकते हैं। और पहाड़ी घर ये बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है अभी भी ये पहाड़ी घर। थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इसे हम सही और रिपेयर करके अच्छा बना सकते हैं। और बहुत ही मजबूत लोकेशन में लैंड है। ये देखिए, पूरा पत्थर है, इसके नीचे ये जो पृथ्वी का पत्थर होता है ये लगा हुआ है। गिरने धसने वाली लोकेशन नहीं है और बांज के पेड़ भी लगे हुए हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी खासी हाइट यहाँ पर मिल जाती है और बिजली का पोल ये लगा हुआ है और ये पूरा पहाड़ी घर मिल जाता है इसमें। और जैसा मैंने आपको बताया, वो वहाँ से यहाँ को ये प्रॉपर्टी की ऐसे करके आगे को नीचे को जा रही है, नीचे को तो प्रॉपर्टी जा रही है। पहाड़ी घर के साथ में लैंड मिल रही है और ये पूरे फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे देख रहे होंगे आप, ये सब फ्रूट के पेड़ हैं, अभी कुछ दिनों में इनमें फल आ जाएगा। और रोड की बात करें तो रोड यहाँ से अभी जो है 10 से 15 20 मीटर की दूरी पर है। अगर काट कर लेकर आना चाहें तो रोड की सुविधा भी प्रॉपर्टी पे मिल जाती है। पूरी हिल टॉप लैंड है, हिल टॉप लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। स्नोफॉल एरिया में प्रॉपर्टी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और हिमालय व्यू की बात करें तो पूरा व्यू हिमालय है। ये पूरी रेंज में हिमालय दिखता, आज कोहरा है, कोहरे की वजह से हिमालय नहीं दिखेगा, आपको पता है कोहरे में छुपा रहता है। और ये देखिए, पूरी रेंज हिमालय की है, ये पूरी रेंज हिमालय की है। ये देखिए, ये सब फ्रूट के पेड़ हैं। और नियर बाय में जनरल स्टोर, स्मॉल मार्केट, शॉप आदि मिल जाते हैं 2-5 किलोमीटर के रेंज के अंदर। और पानी की सुविधा, टैंक लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया अभी। और फ्रूट के पेड़ मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, जो लोग पर्सनल यूज और कॉमर्शियल यूज के लिए देख रहे हैं, गर्मियों में नेक्स्ट होम के लिए देख रहे हैं, उन लोग के लिए काफ़ी मज़ेदार लोकेशन है। और हल्द्वानी से मात्र इसकी डिस्टेंस की बात करें तो हल्द्वानी से दो ढाई घंटे का रास्ता यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए, सब फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ से ये टैंक से, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से ऐसे करके लोकेशन इसकी नीचे को जा रही है। तो पूरे खेत ही खेत हैं, सफाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, पूरे खेती अपल या फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं, नीचे तक जा रही है लैंड, नीचे से फिर आगे को जा रही है। सब खेती कहते हैं, स्टेप में एक के बाद एक स्टेप ऐसे करके मिल जाता है।
हिल टॉप लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है और बहुत ही सुकून भरी एरिया है, शांत वातावरण मिल जाता है और प्रकृति का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे पत्थर यहाँ पर मिल जाते हैं, पत्थर और लकड़ी यहाँ पर मिल जाती है। जो लोग अपने पर्सनल यूज और कॉमर्शियल यूज और गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए या फिर नेक्स्ट होम के लिए देख रहे हैं, उन लोग के लिए काफ़ी मज़ेदार लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। और बाकी पानी का टैंक ये है, मैंने जैसे बताया अभी पानी बंद कर रखा है और नल से बंद करा हुआ है। ये पहाड़ी घर भी मिल जाता है, आगे से पेड़ लगे हुए हैं, पूरा चारों तरफ का ओपन व्यू है, 180 डिग्री यहाँ से पूरा ओपन व्यू मिल जाता है। ये देखिए मैं आपको कैमरा को घुमाकर दिखाता हूँ इसका, ये पूरा ओपन एरिया है यहाँ से, ये पूरे रेंज हिमालय है जैसा आपको बताया। ये देखिए पूरा ओपन व्यू है, ये देखिए फुल ओपन व्यू है, हिल टॉप लैंड हम इसे कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, कभी गर्मियों में यहाँ पर गर्मी नहीं होगी और काफ़ी ठंडी जगहों में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। 2-2.5 घंटा हल्द्वानी काठगोदाम से 2-2.5 घंटे का रास्ता है और काफ़ी अच्छी लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। जो लोग डिमांड कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी मांग रहे थे, फ्रूट गार्डन या फिर कुछ इस टाइप से पहाड़ी घर पुराना इस टाइप से मांग रहे थे, उन लोग के लिए काफ़ी मज़ेदार लोकेशन में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। और ऑनर पेपर इसमें की बात करें तो पूरा ऑनर पेपर क्लियर टाइटल है और रोड अभी 10 से 15-20 मीटर की रेंज पर है, हम काट कर ला सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। और टोटल 18 नाली है। जो लोग प्रॉपर्टी अच्छी लगती है वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्राइस डिटेल वगैरह पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप सबको यह प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।